वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। सो हे गाइस, दिस इज साजिद और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल साजिद गांव का ऑफिशियल। तो आज हम लोग आप लोगों को फिर से एक बार लेके जाने वाले हैं गणपति पापा के पास, लेके जाने वाले हैं एक ऐसे कलाकार के पास जो अपने कला से गणपति पापा में ऐसे रंग भर देते हैं और जो खुशियों के रंग पापा हमारी ज़िंदगी में भरते हैं, इनके बारे में हम लोग आप लोगों को वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना हमारे साथ। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ये वीडियो देखने के बाद भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो पता नहीं आपके मन में क्या क्या है वगैरह। और कुछ नहीं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना हमारे साथ। और एक गणेश चतुर्थी जल्दी आने वाली है और गणेश चतुर्थी सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये बप्पा के प्रति एक सच्ची भावना है। और वीडियो में लास्ट तक बने रहना हमारे साथ। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और कुछ नहीं, आज का हमारे वीडियो शुरू करते हैं। एक बार मुस्कुराइए और बोलिए तो सही, गणपति बप्पा मोरिया। निर्गुण ब्रह्म सनातन अव्यय अविनाशी स्थिर चर व्यापुन उरले जेया जगतासी ते तू तत्व खरोखर निसंशय अससी लीला मात्रे धरिले मानव देहासी जय देव जय देव। देशी त्याची जाणीव तू कवणा करुणी गण गण गणात भोते या भजना धाता नर हरि गुरुवर तुची सुख सजना जिकडे पहावे तिकडे तू दिससी नयना जय देव जय देव। अनंत केला बंकट सदनास पेट विले त्या अग्नि वाचुन चिलमेस क्षणात आणिल जीवन निर्जल वापीस केला ब्रह्मगिरीचा गर्वाचा नाश जय देव जय देव। वारुण केले कैका संपन्न करवी अले भक्ता लगि विठ्ठल दर्शन भव सिंधु हातरण नौका तव चरण स्वामी दास गणुचे मान्य करा कवन जय देव जय देव।
इतना ही था हमारी इस वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट में जरूर लिख देना गणपति बप्पा मोरिया, और कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन नीचे है, डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ से हम लोग पूछ सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियाँ छोड़ दी गणेश चतुर्थी के लिए, अपने काम धंधे छोड़ दिए क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिली। मेरे सामने मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जिन्होंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि उन लोगों को छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि बहुत लोग ना समझ नहीं पाएंगे, बहुत लोग समझ पाएंगे गणेश चतुर्थी के इस फेस्टिवल को, इस पावन से अवसर को। क्योंकि जब मैं स्कूल में था तभी मुझे जनरल नॉलेज की एग्ज़ाम थी, जीके एग्ज़ाम जिसे कहते हैं, और वो स्कूल से नहीं होती है, बाहर से होती है। उन्होंने कहा था कि गणेश चतुर्थी हर बार होती है लेकिन आपको ये एग्ज़ाम फिर कभी देने नहीं, अगले साल देने पड़ेगी, और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि अगले साल देने पड़ेगी। गणेश चतुर्थी हर बार आती है, गणपति बापा हर बार आते। तो मैंने कह दिया गणपति बापा हर बार आते हैं लेकिन वो हमारे दिल में बसे ऐसी मेमोरीज़ है बचपन की और अभी की, इसलिए मैंने कह दिया एग्ज़ाम अगली बार दे देंगे। जब मैं छोटा था अराउंड 7th स्टैंडर्ड में था, तो एग्ज़ाम बाद में दे देंगे क्योंकि गणपति बापा का फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये मतलब हर इंसान की ज़िंदगी का एक पल है। मतलब अगर आप लोग इस अवसर पर आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हो, आप लोगों को छुट्टी नहीं मिल रही है, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो इतना ही था हमारे इस वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, मैंने दूसरों के साथ कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। कुछ नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना गणपति बप्पा मोरिया, और कुछ नहीं, मिलते हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।